निजामाबाद भाजपा अभ्यर्थिगा धर्मपुरी अरविंद नामिनेशन वेशारु। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी एंपी लक्ष्मण समक्षंलो अरविंद नामपत्राल दाखल चेशारु। अनंतरं निजामाबाद पात कलेक्टरेट मैदानंलो जरिगिन भाजपा बहिरंग सभकु उत्तराखंड सीएम हाजरयारु। तेलंगाण प्रजल आकांक्षलु मोदी सर्कार्तोने साध्यमवुतायनि आयन तेलिपारु। गत एन्निकल कंटे अधिक मेजारिटीतो अरविंदनु गेलिपिंचालनि पुष्कर सिंग धामी कोरारु। मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में आज पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश का डंका बजा है। पूरी देश का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर फैला है। भाइयों बहनों, निजामाबाद में हल्दी किसान पिछले 40 सालों से, यानी कि 4 दशक से, 40 ईयर से हल्दी बोर्ड बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन किसी दल या राजनीतिक दल ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे अरविंद धर्मपुरी जी के अनुरोध पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना करके यहाँ के हल्दी किसानों को भी उनका उचित मूल्य दिलाने का काम यहाँ पर हुआ है। लंबे वर्षों से निजाम शुगर फैक्ट्री को पुनः खोलने के लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। यहाँ के गन्ना किसानों को उनकी फसलों का लाभ मिल सकेगा। निजामाबाद में मोदी सरकार ने 3600 करोड़ से अधिक के विकास के कार्य किए हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक कार्य आपके राज्य में हो रहे हैं, आपकी लोकसभा में हो रहे हैं, और मैं अरविंद धर्मपुरी जी को जानता हूं। इन्होंने बहुत कुछ पिछले अपने कार्यकाल में कामों को आगे बढ़ाया है, हम मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी भारत को सशक्त बनाने के लिए, विकसित भारत के निर्माण के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। वहीं जो दूसरी तरफ जो आपके सामने वोट मांगने आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग, बीआरएस के लोग, ये सारे के सारे लोग तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जनता को लूटने वाले पार्टियों के प्रतिनिधि हैं। भाइयों बहनों, तेलंगाना के साथ कांग्रेस ने आजादी के समय से ही बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। सभी देवतुल्य मतदाताओं से आग्रह कि विकसित भारत के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए और भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने के लिए आप भाजपा को चुने।